हुआ बड़ा भारी, दैत्य उसमें पराजित हो गए, देव फिर पुनः सत्ता प्राप्त करके प्रतिष्ठित हो गए। यश मान कीर्ति स्वास्थ्य सौंदर्य अथवा नेतृत्व स्वामित्व प्रभुत्व अथवा राजनीतिक बल सत्ता ये पुण्य से ही प्राप्त होती है, इसे सत्कर्म करते रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को पवित्र रखिए, वैचारिक पवित्रता रखिए, जितने अधिक आप पवित्र रहेंगे उतने ही सामर्थ्यवान रहेंगे। बिना बाह्यांतर पवित्रता के बड़ी सामर्थ्य हाथ नहीं लगते। देवता पवित्र रहे तो बड़ी चीजें उन्हें प्राप्त हो गई। देव बार बार भटक रहे थे, देवगुरु बृहस्पति उन्हें समझा रहे थे, इसलिए कोई समझाने वाला जरूर रहना चाहिए जीवन में, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा संबंधी, अपने माता पिता अथवा कोई मित्र अथवा कोई गुरु जो आपको बीच बीच में संभालता रहे, कि आप भटक ना जाए, आपको भ्रम ना हो जाए, कोई भय ना आ जाए, आप लक्ष्य से परे ना चले जाए, कर्तव्य से विमुख ना हो जाए। इस प्रकार की ये कथा भगवान की आनंद बोध के लिए, कल्याण के लिए।